मालिक की सजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं, तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ, तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है, फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसी की उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो, टेंशन से दिन रात लिए रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरण करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है, क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी, अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नू खुंडा सोको तो मिलता है, ये एवें नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना, सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा।
जिसको मर्जी देख लो, जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुंवारा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को, लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है, ठीक है। परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमरण करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। आप बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 4:15 रहते हैं, जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 4:15 होते हैं, और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। किसी रोते को हंसाया, किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है, के बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है क्या? प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है, उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी, अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, 1,00,000 की ठगी मारो, 1,000 भगवान को चढ़ा दो, भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1,000 मिल गया वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं। यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है, हम सच्ची बात कह देते हैं लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरुवाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हमने पढ़े, एक विज्ञान की दृष्टि से हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला।
वहां तो ये लिखा हुआ है, मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में, भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहिबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे, कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो, कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिलमिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी, हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी, मांसाहार छुड़ाते हैं कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई, वैश्यावर्ती छुड़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं लंडे लुच्चे गुंडे उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें, हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे और सच छुड़वाएंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा, सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है, एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी, सत्संग हमने किया, नई जगह थी लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख डेढ़ लाख लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना बहुत प्यार से, गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा वापस, दिल्ली आना था, 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात, पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ीका, वहाँ एक कमरा था वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरु जी कहाँ हैं, कहने लगे क्यों, कहता मैं बात करनी है बहुत ज़रूरी है। हमने भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई, गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया, सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में, कहता ना 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 आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है, कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो उनके रास्तों पे चलो, कहते बिल्कुल सही बोला पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई, मंदिर में कोई आया नहीं क्या, कहता गुरु जी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया, कहता आए तो 10 गुना ज्यादा पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों, कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं, कहता फिर मैं खाऊंगा क्या। हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की, कहता है खेती के लिए जगह नहीं है, है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर, कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब
करके नहीं खाना चाहते, कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, दसानुआ दी कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो, तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए, उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की, अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं, अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण, वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा, 100% मानते हैं हर धर्म को, अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेतीबाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे, बहुत बड़ा घर था, सारी रात, और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर कामकाज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो, बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। हुए हैं